बच्चों, पाठ भाषा और उसके स्वरूप से संबंधित वीडियो भाग दो में मैंने आपको भाषा की इकाइयां, भाषा और बोली तथा लिपि के विषय में पठन पाठन कराया था। आज हम विषय हिंदी भाषा तथा उसके मानक रूप के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए आगे के विषय का पठन आरंभ करते हैं। पठन के समय छात्र ईआरपी पर डाले गए इस पाठ के प्रतिरूप अर्थात इमेजेस को अपने सामने रखें तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखने के लिए एक कॉपी पेन भी साथ में रखें। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं हिंदी भाषा लिखा है, तो चलिए पठन आरंभ करते हैं। 14 सितंबर 1949 यानी 1949 को भारत के संविधान में राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था। हिंदी भाषा आर्य परिवार की प्रमुख भाषा है। यह संस्कृत से विकसित होकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के सोपानों से गुजरती हुई वर्तमान स्वरूप तक पहुंची है। अब यह राजभाषा संपर्क भाषा द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग की जा रही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है, भारत संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। देखो बच्चों, हिंदी भाषा के विषय में मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहूंगी। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि भारत में लाखों लोग हिंदी बोलते हैं। यह देश के करोड़ों लोगों की मातृभाषा है। इसकी जननी संस्कृत है, मतलब ये संस्कृत से उत्पन्न हुई है और हिंदी विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हिंदी भारत के अलग अलग और भी कई देशों में बोली जाती है, जैसे नेपाल, फिजी, मॉरिशियस, इन सब देशों में भी हिंदी बोली जाती है, परंतु थोड़ा सा तरीका उनका बदल जाता है बोलने का। अब आइए जो अगला इसमें दे रखा है, आप देख रहे होंगे जो हाइलाइटेड है, वो है आपने जाना। जो इस पाठ में बताया गया है उसे संक्षेप में बताया गया है और सीधे हाथ की तरफ देखिए लिखा है क्या आप जानते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये सब हम रिकैप में लेंगे बाद में, अभी हम नीचे के उस पर आते हैं विषय पर। वो लिखा है हिंदी भाषा का मानक रूप। तो देखिए पठन करते हैं इसका। हिंदी भाषा का क्षेत्र अत्यंत विशाल एवं व्यापक है। हिंदी का प्रयोग हिंदी भाषी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में भी होता है। ये बात मैंने आपको अभी बताई है कि हिंदी जो भाषा है वो कई राज्यों के अलावा, जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनके अलावा दूसरे राज्यों में भी बोली जाती है। तो इसलिए हिंदी के अनेक रूप उभरने लगे हैं। आपको मालूम है सभी राज्यों में जो हिंदी विषय है वो पढ़ाना जो है अनिवार्य है, वहां पर हिंदी एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। तो इसलिए हिंदी के अनेक रूप उभरने लगे हैं। इन अनेक रूपों के कारण कभी कभी भावों और विचारों को समझने में कठिनाई आती है। इसलिए संप्रेक्षणीयता और अर्थ ग्रहण की दृष्टि से भाषा में एक रूपता का लाना आवश्यक है, मतलब एक जैसी भाषा होनी आवश्यक है। तो हिंदी का अपना स्वीकृत मानक रूप भी है। मानक रूप क्या होता है? जो सर्वमान्य होता है कि हिंदी में ये शब्द इस प्रकार से लिखा जाएगा तो सब जगह इसी प्रकार से लिखा जाएगा। जैसे आपको पता होगा उज्जवल, उज्जवल में छोटा उ, आधा ज, फिर आधा ज और फिर व और ल आता है। तो ये सब जगह ये मानक रूप है, इसे आप ऐसे ही लिखेंगे। जैसे परीक्षा लिखते हैं आप, परीक्षा में पहले र को छोटी ई की मात्रा आती थी, ऐसे ही श्रीमती में भी त पर छोटी ई की मात्रा आती थी, लेकिन अब क्या है, बड़ी ई की मात्रा आती है परीक्षा में भी और श्रीमती में भी। ये समय समय पर बदलाव आते रहते हैं जो कि हम अध्यापकों द्वारा आप तक पहुंचते हैं और ये मानक रूप कहलाता है। जो बदलाव आता है वो मानक रूप होता है और उसी उसी बदलाव को लेकर हमें आगे चलना होता है। तो भाषा का व्याकरण सम्मत और सर्वमान्य रूप ही मानक भाषा रूप कहलाता है। प्रायः समाचार पत्रों, पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षित समुदाय में भाषा के मानक रूप का ही प्रयोग किया जाता है। आप देखते हैं जो भी समाचार पत्र आते हैं या कोई भी आपकी पाठ्य पुस्तक होती है या फिर कोई मैगजीन होती है, उनमें भी भाषा के मानक रूप को ही प्रयोग किया जाता है। अगली एक तालिका दे रखी है, कुछ वर्णों और शब्दों का मानक रूप दे रखा है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। मैं आपको इस जो भी पढ़ा पढ़ा है इसके विषय में भी कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे हिंदी भाषा से जुड़ी कुछ विशेष बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो इस प्रकार है। जैसे संविधान सभा ने हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में, आपको मालूम है 14 सितंबर
1949 यानी 1949 को चुना, इसीलिए आपको पता है कि हम लोग हर वर्ष 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और हम विद्यालय में भी इसको हिंदी दिवस को मनाते हैं, बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। और हिंदी विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से, आपको पता है कि चीनी के बाद विश्व में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, देवनागरी में इसको लिखा जाता है और हिंदी उन 7 भाषाओं में से एक है जिसका उपयोग वेब एड्रेस बनाने में किया जाता है। जो वेब एड्रेस बनाते हैं उनमें 7 भाषाओं का प्रयोग होता है, तो उनमें से हिंदी भी भाषा जो है वो एक ऐसी भाषा है जिससे आप वेब एड्रेस अपना बना सकते हैं। और पूरे विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों अर्थात कॉलेजेस में हिंदी पढ़ाई व सिखाई जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व में। तो बाजार में हिंदी टाइपराइटर जो आया था वो 1930 ईस्वी में आया था। तो क्या आपको मालूम है कि हिंदी की वर्णमाला दुनिया की सर्वाधिक व्यवस्थित वर्णमाला है? इसकी व्यवस्था ऐसी है जो सर्वाधिक व्यवस्थित है और भाषाओं से। तो हिंदी के शब्दकोश जो होता है, डिक्शनरी होती है, उसमें 2.5 लाख से भी अधिक शब्द हैं जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो हिंदी भारत में संपर्क भाषा का काम करती है। अगर कोई भी यहाँ पर राजकीय कार्य होते हैं तो सबसे ज्यादा उसमें हिंदी भाषा का ऑफिशियल वर्क होते हैं, जो भी आपके ऑफिस के वर्क होते हैं या राजकीय कार्य होते हैं जो नेता लोग करते हैं, ये सब संपर्क भाषा इसमें हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। और मजे की बात यह है कि इसमें गूंगे अक्षर अर्थात साइलेंट लेटर्स नहीं होते जैसे इंग्लिश में होते हैं ना, जैसे हम ऑनेस्ट बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग जो होती है उसकी क्या होती है, एच से स्टार्ट होती है ना, HONEST। तो इसमें एच लेटर जो होता है वो साइलेंट होता है, लेकिन हिंदी में कोई भी ऐसा शब्द नहीं होता जिसमें गूंगे शब्द हो, मीन साइलेंट लेटर्स, है ना वजह की बात। और हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है क्योंकि संविधान में किसी भी भाषा को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि इस पाठ से संबंधित जो असाइनमेंट्स ईआरपी पर डाले गए हैं उन्हें लूज शीट्स पर सॉल्व करना, उन्हें आप किसी भी नोटबुक में नहीं करेंगे, उन्हें लूज शीट पर सॉल्व करके एक फोल्डर बनाइए और उस फोल्डर में उन सभी शीट्स को रखिए संभाल कर और ऊपर डेट भी डालते जाइए। अच्छा, अब आता है आप स्क्रीन पर देखेंगे अगले पृष्ठ में कुछ वर्णों व शब्दों का मानक रूप निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पर दे रखा है, ये एक तालिका दे रखी है। देखिए वर्ण दे रखा है ऊपर, अमानक एवं मानक रूप दे रखा है। अमानक में देखिए जो अ लिखा है ना, ये जितने भी अमानक रूप लिखे हैं, ये जब हम तो क्या छोटे थे, जब हमारी मम्मी पढ़ती होंगी ना, वो छोटी थी यानी आपकी नानी पढ़ती होंगी, तो वो भी उस समय इन वर्णों का प्रयोग करती होंगी, शायद उनके समय में भी बदलाव आ गया होगा। तो जो पहले अमानक रूप में लिखा है इस प्रकार से अ लिखा जाता था, और जो मानक रूप में लिखा है अब उस प्रकार लिखा जाता है, और ये सर्वमान्य है। जहां भी हिंदी पढ़ाई जाएगी पूरी दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी हमारे भारत के राज्य में, कहीं पर भी हिंदी कोई भी पढ़ेगा लिखेगा वो अ को इसी रूप में पढ़ेगा और अ को इसी रूप में लिखेगा। अब देखिए नेक्स्ट है क और त, इसमें पहले कैसे लिखते थे, इकट्ठा जोड़कर लिखते थे, अब अलग लिखा जाता है। फिर देखिए अगले में क, जिसके पैर में र है, तो ये क और र अब इस प्रकार लिखा जाता है जो मानक रूप में लिखा गया है। अब झंडे वाला झ देखिए, पहले भ के आगे एक और मात्रा रेखा से खींचकर उसे झ बनाया जाता था, अब झ इस प्रकार लिखा जाता है। त्र, त्रिशूल वाला, देखिए कितना अंतर आ गया है, अब मानक रूप में देखिए किस प्रकार लिखते हैं और अमानक रूप में देखिए किस प्रकार लिखा जाता था। ये अब देखिए, अभी तक कुछ बच्चे मैंने देखा है जो चाहिए लिखना होता है, चाहिए उसको चाहिए लिखते हैं, या को पीछे एक ही मात्रा के साथ लिखते हैं, वो गलत है, वो मानक रूप नहीं है। तो अब क्या लिखते हैं, चाहिए, च को आ की मात्रा, ह को छोटी की मात्रा और फिर छोटी ए, य को एक ही मात्रा नहीं आती। ऐसे ही लिए में भी ल को छोटी की मात्रा और छोटी ए, तो ल को छोटी की मात्रा और य को एक ही मात्रा नहीं आती। अब सीधे हाथ की तरफ देखिए, अमानक रूप आ ये, या को एक ही मात्रा है और मानक रूप में देखिए अब कैसे लिखते हैं, आ ए। अब देखिए कुत्ता कैसे लिखा जाता था, पहले
ये गलत है पुस्तिका में, इसे ठीक करिए। जो अमानक रूप में लिखा गया वो मानक रूप में आएगा, और जो मानक रूप में लिखा गया है वो अमानक रूप में आएगा। तो पहले कुत्ता जो है त के ऊपर रेखा डालकर लिखा जाता था, अब दोनों त अलग लिखे जाते हैं, ये गलत लिखा गया है पुस्तिका में, इसे आप ठीक करेंगे। अगला देखिए, चाहिए या को एक ही मात्रा है, अब क्या लिखा जाता है, चाहिए। गंदा ना आता था आधा, अब वो उसका प्रचलन नहीं है, अब क्या होता है, न की जगह बिंदी आती है, अनुस्वार आता है, जिसे अनुस्वार कहते हैं, बिंदी को अब अनुस्वार लगता है आधे ना की जगह। पंडित देखिए, अब पंडित में भी ऐसे बदलाव आया है, ऊपर अनुस्वार लगता है। आरंभ देखिए, आधे म की जगह अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तो अब आपने जाना कि इस पाठ में हिंदी और उसके मानक रूप के विषय में, और अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे भाग 4 में, जिसमें कि मैं आपको इस पाठ के व्याकरण के अंग के विषय में, व्याकरण और व्याकरण के अंग के विषय में बताऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।